subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. जी डॉक्टर बल्कि मैं बता रही हूँ कि अगर तेल जिस तरह होता है ना कि बहुत ज़्यादा हमने कुछ चीज़ फ्राई कर ली है, आपका तेल जो है उसको रीयूज़ कैसे करें? वैसे तो ऑयल जो है वो रीयूज़ बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप जैसे अभी कुछ चीज़ें तल ली हैं, अगर फिश तला है तो वो आपके दर्द का तेल बन गया, उसको उसमें गरम मसालों के साथ सबसे बेहतरीन होता है। जब आप मछली तलते हैं तो वो आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। मछली पे अगर मसाला लगाया हुआ है, लाल मिर्च, ये सब दर्दों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, लाल मिर्च का तेल, काली मिर्च, लाल मिर्च, अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, मतलब ये सब भी लगाया जी। हाँ, वही मिर्च, बिल्कुल दर्दों के लिए इससे अच्छा तेल कोई नहीं। वहाँ में वो तेल तो हम फेंक देते हैं कि स्मेल हो गई है तो उसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते। आप कह रही उसको संभाल के रख ले। बिल्कुल, आप उसको रीयूज करें। और मछली वाला या इवन आपने प्राउन भी तले हैं तो अगर आपने कोई भी सी फूड आपने फ्राई किया है तो हम फौरन उसको फेंक देते कि स्मेल आ रही है, लेकिन वो तेल आपके दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बेहतरीन है। आप जोड़ों के दर्द में लगाएं और निजात पाएं जोड़ों के दर्द। तो सुने, छाने उसको या नहीं? छान ले उसको। अच्छा, अब वो नहीं किया आपने, पकोड़े तले हैं कुछ और आप रीयूज करना चाहते, तो सबसे पहला उसूल ये कि जैसे ही आपका तेल ठंडा हो, आपने इस जैसे डबल अब मलमल से भी ये मोटा वाला कपड़ा है, आपने इसमें इसको छान लेना है ताकि जितना भी लेफ्ट ओवर है वो सब छन जाए। अच्छा। और वो तेल में ना रहे, ना तेल में। फिर क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे ये मैंने छाना। अक्सर घरों में फ्राइज डेली बनते हैं ना बच्चों के लिए, तो वो जो ऑयल है। अच्छा, इसको एक दफा नहीं छाना, जैसे मैं छान रही हूँ ना तो इसमें दोबारा वो आ रहा है। एक नहीं, दो से तीन दफा। और ये कपड़ा आपका बड़ा मोटा वाला होना चाहिए, डबल लिया। हाँ, जैसे आप छाने। अब इन दोनों का मैं आपको कलर बताऊंगी तो आपको फर्क नजर आ जाए। हाँ, लाइट है ये, है ना? हाँ, अच्छा, इसके बाद इसमें एक चीज डालना है आपने, लौंग। 8 से 10 लौंग डाल के छोड़ दें। अच्छा, और जो इसमें जो इसकी खामियां होंगी वो लौंग जो है इसको सक कर ले। अच्छा, सारा, क्योंकि लौंग जो एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, सब कुछ है। अपनी प्रॉपर्टीज की वजह से इसकी जो दूसरी चीजें इसमें होगी वो लौंग जो है अपने पे ले लेगा। और ये जो लौंग है, फिर आप ये यूज ना करें, ये पड़े रहने दें। जैसे आपका तेल खत्म हो जाता है, आप ये लौंग फेंक दें। वैसे कितनी बार भी यूज कर सकते हैं एक तेल को, मतलब अमूमन उसके बाद बोले कि नहीं माफ कर दो? दो से तीन दफा। ज्यादा यूज नहीं करना। मछली बकी जी है, वो खिला दी जी। वो तेल जो है इस तरह छान लिया जी। और बुजुर्ग जो घर में जिनको घुटनों की दर्द, वो कर लिया, जोड़ों का दर्द, उनको मालिश। बिल्कुल। और आप लोग एक और चीज, एक और टिप इसके बारे में ये है कि अगर आप जैसे किस चीज में आप तल लेते हो ना, उसके बाद आप छान के इसको फौरन ही आप अपने खानों में इस्तेमाल कर ले। जैसे खाना बना रहे हैं ना घर में, आप जैसे सालन बना रहे, कोई भी सालन बना रहे, आप इसमें इस्तेमाल कर ले। अब क्या होता है, हम लोगों के घर में कुकिंग ऑयल में जो तलने वाला तेल होता है वो अलग रखा हुआ होता है, और जब तक बच्चे उसको खा के फेंक ना दे, जैसे सूंघ सूंघ के, क्योंकि इतना रीयूज होता है, ये ना करें। फिर आपका बजट भी कम आएगा, क्योंकि आप जिसमें तल रहे हैं फौरन आप उसमें अपना पूरा दूसरा खाना बना रहे, उसमें उस तेल का जायका इतना खराब नहीं हुआ होगा। जो फ्राई वाला होता है ना जी, एक दिन आता है कि फ्रेंच फ्राइज आपको काले मिल रहे होते हैं जी, क्या वजह है कि वो रीयूज हो रही है? जी जी, वो फ्रेंच फ्राइज बताता है कि बस भाई तेल दूसरा चेंज कर ले। मेरे घर का ये उसूल है कि मैं इसी तरह लौंग के साथ करके उसको फिर मैं कहती हूँ कि फौरन खाना बना लो, क्योंकि आपने अपना बजट भी बचाना है, यूं करके तेल खत्म हो जाता है। तो बस ये इस तरह करके करेंगे तो बहुत आपको फायदा होगा। और जिसमें आपने मछली तली है, क्योंकि अभी मौसम है सर्दियों का, एक दो दफा आप तल लें, उसके बाद उसको दर्दों का तेल बनाकर इस्तेमाल करें। वो दर्दों पे लगाएंगे तो मछली की स्मेल नहीं आएगी? मछली की स्मेल आएगी, लेकिन उसकी खसूसियत इतनी है कि वो उसके आगे उस स्मेल की कोई भी वो नहीं। तेल में वो फिर नहा ले भाई गर्म पानी से, क्या करें? हाँ, दर्द है, बिस्तर बिस्तर पे ना लगाएं बेडशीट वगैरह, क्योंकि जैसे ही सर्दियां आती हैं, चोट जैसे पुरानी चोट, एक्सीडेंट हुआ हुआ हो, वैसे ही जोड़ों, क्योंकि स्टिफनेस आ जाती है ना, तो आपके जोड़ बहुत दर्द करते हैं। तो ये ऑयल लगाएं, थोड़ी देर धूप में बैठे, नहाने चले जाएं, बस ये कर सकते हैं।